Good morning, students. I am well here, and I hope all of you are also well at your home. It is a very small session in which we will discuss about the revision of chapter number 6, that is physical and chemical change. नहीं, इसमें हम question answers को discuss करेंगे कि कौन कौन से questions हैं chapter number 6 में, जो कि है physical and chemical change. Chapter का नाम है physical and chemical change. फिजिकल एंड केमिकल चेंज. तो बेसिकली क्या है कि फिजिकल और केमिकल चेंज के अंदर हमें चीजें डिस्कस करनी है. तो आइए स्टार्ट करते हैं. पहला क्वेश्चन क्वेश्चन पूछ रहा है क्या कि अ गैस यूज्ड इन किचन इज एलपीजी विच इज इन द लिक्विड फॉर्म इन साइड द सिलेंडर विच इज इन द लिक्विड फॉर्म इन सिलेंडर बट when comes out becomes gas. कौन सा चेंज है? What type of change it is? तो हमारा क्या आंसर होगा? इट इज केमिकल चेंज. क्योंकि किसमें चेंज हो गया? लिक्विड टू गैस. प्रॉपर्टी बदल गई, इसीलिए ये क्या हो गया? केमिकल चेंज. क्लियर है? क्वेश्चन नंबर सेकंड है, ड्यूरिंग बर्निंग अ कैंडल both physical and chemical changes take place. Physical and chemical changes take place. Physical and chemical changes takes place. ठीक है, both physical and chemical changes takes place. What type of Explain how both changes take place. How both changes take place. तो किस तरह से दोनों changes take place करते हैं, ये हमें discuss करना है. हम क्या कहेंगे कि during burning of candle burns as well as melts also. जब कैंडल बर्न करता है तो वो जलता भी है और पिघलता भी है. तो पिघलना फिजिकल चेंज है और जलना क्या है? केमिकल चेंज. हम कहेंगे क्या? When candle burns, it melts also into wax. Melting of wax is physical change, but burning of candle is chemical change. Clear है बेटा? कोई प्रॉब्लम नहीं है. अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, जो हमें ये कहता है कि why is the rate of rusting faster in coastal areas? Means what? Rate of rusting वहां क्यों faster होता है जहां पानी की मात्रा ज्यादा होती है? तो हम कहेंगे क्या कि rusting चूंकि moist oxygen से होता है, पानी मौजूद जब oxygen में होता है उसकी वजह से होता है, इसीलिए जहां पर पानी ज्यादा है rusting वहां पर faster होगी. Clear है? हम क्या कहेंगे कि चूंकि rusting जो है वो oxygen के moist नम oxygen से होता है, तो जहां पर पानी की मात्रा ज्यादा रहेगी, नमी ज्यादा रहेगी, वहीं पर ज्यादा रस्टिंग का रेट होगा. रेट ऑफ रस्टिंग इज फास्टर इन कोस्टल एरियाज एरियाज
इन कंपैरिजन टू टू अदर एरियाज बिकॉज किस वजह से है बेटा? तो हम क्या कहेंगे कि रेट ऑफ रस्टिंग कोस्टल एरियाज में फास्टर है इन कंपैरिजन टू अदर एरियाज, क्योंकि देयर इज मोर मॉइस्चर इन कोस्टल एरियाज एंड वी नो दैट ठीक है, रस्टिंग इंक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग मॉइस्चर, रस्टिंग इंक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग मॉइस्चर इन इंक्रीज इन मॉइस्चर विथ इंक्रीज इन मॉइस्चर। क्लियर है बेटा? कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ये कहता है हाउ डज पेंटिंग ऑफ आयरन गेट्स prevents it from rusting. How does the painting of iron gate prevents it from rusting? तो हम क्या कहेंगे? Painting forms an additional layer on iron. As a result, it allows oxygen to react with iron. As a result, it prevents it from rusting. Clear हो गया? Fifth question ये कह रहा है how cutting of wood and burning of wood are two different type of changes. तो देखिए बेटा, इसको समझने के लिए हम क्या कहेंगे कि कटिंग ऑफ वुड में क्या है, लकड़ियां बट जाती हैं, रहती तो लकड़ियां ही हैं, तो नई प्रॉपर्टी नहीं फॉर्म होता, इसीलिए वो फिजिकल चेंज है, जबकि बर्निंग ऑफ वुड में क्या होता है, चीजें बदल जाती हैं, इसीलिए वो क्या हो गया, केमिकल चेंज। तो हम क्या कहेंगे कि बर्निंग एंड कटिंग ऑफ वुड are two different type of changes of changes because in burning of wood new substances are formed so it is chemical change in cutting of wood, no new substances are formed. So
इट इज फिजिकल चेंज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन और ये लास्ट क्वेश्चन है बेटा, इसमें ये कह रहा है कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। फिजिकल और केमिकल दो तरह के चेंजेस हैं जिसको हमें डिस्कस करना है। फिजिकल, नो न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड, सब्सटेंस आर फॉर्म्ड केमिकल में क्या होता है, न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड, न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड। ठीक है, फिजिकल, नो न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड, नो न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड आर फॉर्म्ड, इसके लिए हम क्या कहेंगे, न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड। क्लियर हो गया बेटा, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट एक क्वेश्चन जो एडिशनल है जो मैं आपको समझाना चाहता हूं वो ये है कि हाउ इज सेटिंग ऑफ कर्ड अ केमिकल चेंज, हाउ इज सेटिंग ऑफ कर्ड अ केमिकल चेंज, इसको सेवेंथ क्वेश्चन मान लीजिए, कर्ड केमिकल चेंज। तो हम क्या कहेंगे कि व्हेन मिल्क चेंजेस इनटू कर्ड, इसको मैं समझा देता हूं आपको कि जब भी दूध दही में बदलता है तो उसकी जो प्रॉपर्टी है वो बदल जाती है, नहीं और कोई भी ऐसी चीज जिसकी प्रॉपर्टी बदले तो वो कौन सा चेंज कहलाता है, केमिकल चेंज। इसीलिए सेटिंग ऑफ कर्ड क्या है, केमिकल चेंज, क्यों, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी दूध से अलग हो जाती है दही बनने पर। आई होप क्लियर है, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छे से रिवाइज करिए। ठीक है, टिल देन स्टे होम स्टे सेफ, गॉड ब्लेस। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम वेल हियर एंड आई होप ऑल ऑफ यू आर ऑल्सो वेल एट योर होम। स्टूडेंट्स, टुडे वी आर हियर टू डिस्कस द रिविजन पार्ट ऑफ चैप्टर नंबर 7, दैट इज वेदर एंड क्लाइमेट। सो विदाउट एनी डिले लेट अस स्टार्ट चैप्टर नंबर 7, वेदर एंड क्लाइमेट। एंड क्लाइमेट बेटे, इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, वो क्या है, वो है कि विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस फ्रीक्वेंटली, वेदर और क्लाइमेट, विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस फ्रीक्वेंटली, चेंजेस frequently weather or climate, which of the following changes frequently weather or climate, question mark। हमारा आंसर क्या होगा कि frequently मतलब होता है जल्दी जल्दी कौन चेंज करता है, तो इसके लिए हमें ये पता होना चाहिए कि वेदर क्या है और क्लाइमेट क्या है। वेदर के बारे में हम जानते हैं कि वेदर के बारे में हम ये कहते हैं द चेंज इन द एटमोस्फेरिक कंडीशन विद इन वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, बहुत कम समय में जो एटमोस्फेरिक कंडीशन में चेंज होता है उसी को हम वेदर कहते हैं। तो यहां पर फ्रिक्वेंटली कौन चेंज होगा, वेदर या क्लाइमेट, तो हमारा आंसर क्या होगा, वेदर चेंजेस फ्रिक्वेंटली। दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, वो ये है कि अगर हम वेदर और क्लाइमेट की बात करें तो कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर क्लाइमेट डिपेंड करता है, मीन्स व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस
डिपेंड्स, व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस डिपेंड्स। क्वेश्चन मार्क, कौन सा ऐसा फैक्टर है जिनके ऊपर क्लाइमेट किसी भी प्लेस का डिपेंड करता है? तो हम क्या कहेंगे कि फैक्टर्स ऑन विच क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस डिपेंड आर फैक्टर्स ऑन विच क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस डिपेंड्स, क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस डिपेंड आर कौन कौन से हैं? सबसे पहला है डिस्टेंस फ्रॉम माउंटेन, ठीक है। दूसरा है डिस्टेंस फ्रॉम सी एंड ओशन, ओशन डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेटर, फ्रॉम इक्वेटर, ठीक है। तीन पॉइंट्स हमने लिख दिए कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस को डिटरमाइन करते हैं या जिनकी वजह से ये क्लाइमेट डिटरमाइन होता है, क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, Why is variety of plant and animal found in कौन सा रीजन? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ठीक है, तो वैरायटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल क्यों ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पाया जाता है? तो हम कहेंगे क्या कि चूंकि वहां पर जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो हॉट ह्यूमिड है और कंटिन्यूअस रेन की वजह से वहां का जो क्लाइमेट है वो अधिकतर प्लांट और एनिमल को शूट करता है और इसीलिए सबसे ज्यादा प्लांट और एनिमल वहीं पर पाए जाते हैं। हम क्या कहेंगे, द क्लाइमेटिक कंडीशन हो ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इज हॉट एंड ह्यूमिड, ठीक है। द क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इज हॉट एंड ह्यूमिड, सो ड्यू टू द सच क्लाइमेटिक कंडीशन एंड कंटिन्यूअस रेनफॉल दे आर या ड्यू टू द कंटिन्यूअस रेनफॉल इट मेक्स द प्लेस सुटेबल फॉर ठीक है ना, ये प्लेस को सुटेबल बनाता है फॉर मोस्ट ऑफ द एनिमल्स, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चूंकि क्लाइमेटिक कंडीशन वहां का हॉट एंड ह्यूमिड होता है और वहां पर बारिश ज्यादा होती है, इसीलिए ये ज्यादातर एनिमल्स के लिए सेफ एंड सिक्योर होता है, इसीलिए
वहां पर ज्यादातर जीव रहते हैं। अंडरस्टूड। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाई इज द एनिमल ऑफ सर्टेन काइंड फाउंड इन अ पार्टिकुलर रीजन। क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा कि किसी भी रीजन में किसी विशेष तरह के जीव जंतु ही क्यों पाए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन को लिखने से ज्यादा अच्छा है कि मैं आपको समझा दूं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी भी तरह के एनिमल किसी निश्चित स्थान पर क्यों पाए जाते हैं। तो उसका आंसर ये है बेटा कि किसी भी जगह पर किसी विशेष तरह के ही एनिमल इसलिए पाए जाते हैं क्योंकि क्योंकि वहां पर जो क्लाइमेटिक कंडीशन होता है उस क्लाइमेटिक कंडीशन के अकॉर्डिंग उनका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो बना होता है जिसकी वजह से वो अपने आप को उस पर्टिकुलर रीजन में अच्छे से क्या कर सकते हैं सस्टेन कर सकते हैं अपने आप को एडजस्ट कर सकते हैं। इसीलिए ये कहा जाता है कि एनिमल्स ऑफ सर्टेन काइंड आर फाउंड इन अ पर्टिकुलर रीजन। आई होप क्लियर हो गया। एनिमल सर्टेन काइंड के इसलिए पाए जाते हैं क्योंकि उस तरह के रीजन में उस तरह के कंडीशन में उस तरह के रीजन में एनिमल्स जो हैं वो अपने आप को एडप्ट कर पाते हैं क्योंकि उनके बॉडी स्ट्रक्चर का मतलब बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो उसी क्लाइमेटिक कंडीशन के अकॉर्डिंग होता है। इसीलिए हम कहते हैं कि जो भी है एनिमल सर्टेन काइंड का फाइंड होता है किसी पर्टिकुलर रीजन में। आई होप क्लियर है। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन नंबर 5। हाउ ईच या हाउ आर एलिफेंट्स एबल टू एबल टू एडेप्ट इट्सेल्फ इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ठीक है। हाउ आर एलिफेंट्स एबल टू एडेप्ट इट्सेल्फ इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। कैसे कोई भी एलिफेंट जो है वो अपने आप को ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में एडेप्ट कर लेता है। हमारा आंसर क्या होगा। द ट्रंक ऑफ एलिफेंट हेल्प्स देम इन कीन सेंस ऑफ स्मेल। कीन सेंस ऑफ स्मेल। क्लियर हो गया। दूसरा द टस्क्स ऑफ एलिफेंट हेल्प देम टू ब्रेक द ट्रंक्स ऑफ ट्रीज ट्रीज एंड फ्रूट्स ऑल्सो टू फीड देमसेल्फ टू फीड देमसेल्फ। क्लियर है बेटा। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। हाउ डू एनिमल्स लिविंग इन पोलर रीजन आर एबल टू एडेप्ट इटसेल्फ। क्योंकि उनके पास बिकॉज दे हैव अ थिक लेयर ऑफ फैट एंड। क्लियर है। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो बेटा क्वेश्चन आंसर में इतना ही था। अब जो MCQs रह गए वो असाइनमेंट के रूप में आपको मिल जाएंगे। आई होप आप अच्छे से इसको रिवाइज करेंगे ताकि आप अच्छा कर पाएं। टिल देन स्टे होम स्टे सेफ गॉड ब्लेस यू।